सो हे गाइज, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम यूट्यूब के कुछ नए फीचर के बारे में ऐसे बात करने वाले हैं जो नए क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, पुराने क्रिएटर के लिए भी है। चैनल को बूस्ट कराने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पार्ट टाइम भी काम करना चाहते हो, शॉर्ट वीडियो से भी काम करना चाहते हो, तो वो भी एलिजिबल है यूट्यूब पर। ऐसे ऐसे फीचर एलिजिबल है, आप आराम से काम भी कर सकते हो। प्लस में आपको ऐसे ऐसे टूल्स मिल रहे हैं जिसकी मदद से आप बहुत तेज़ी से अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हो। सब्सक्राइबर बेस अगर बढ़ाना तो वो भी बढ़ा सकते हो, व्यूज वेस बढ़ाना हो तो वो भी बढ़ा सकते हो। तो गाइस, क्या है ऐसे फीचर, बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मे बी आपको भी जो है यूट्यूब शॉर्ट्स का एक ऑप्शन मिल गया होगा यूट्यूब अपडेट में। बहुत लोगों को मिल चुका है, मे बी आपको भी मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आपको अपडेट मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, आगे अपडेट में आपको मिल जाना है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस हम यहाँ पे बीटा स्टूडियो के बारे में। बीटा स्टूडियो में एक कस्टमाइजेशन किया गया है, वहाँ पे एक फीचर ऐड किया गया है कस्टमाइजेशन का। अब गाइस, बेसिकली इसका क्या यूज़ है, इसका फ़ायदे क्या हैं, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले क्या होता था कि पहले हम अपने अकाउंट पे जाते थे चैनल पे जाने के बाद, और वहाँ पे कस्टमाइजेशन पे जाते थे कस्टम चैनल पे, और वहाँ पे जाने के बाद ये सारे फीचर्स हमें करने पड़ते थे। लेकिन वहाँ पे हमें बहुत जगह पे समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, भटक सा जाते थे। तो इनका एक अलग सा ये सेक्शन यहाँ पे उन्होंने बना दिया है, और ये कस्टमाइजेशन के नाम पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तीन, लेआउट और यहाँ पे ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो लेआउट में गाइस आपको मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐड सेक्शन मिलता है कि आप अपने सब्सक्राइबर को कौन सी वीडियोस दिखाना चाहते हो। जिन्होंने आपके चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया, पहली बार विजिट किया, उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको ऊपर वाली वीडियो दिखेगी। यहाँ पे है ना चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैजंट सब्सक्राइब्ड, तो ये उनको दिखेगी। और दूसरा जो है रिटर्निंग ऑफ सब्सक्राइबर, वो उनको दिखेगी जिसने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वो फिर से आपकी वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनको सेकंड वाली वीडियो दिखेगी। तो ये इसमें आप अपनी वीडियो को ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ है ये। दूसरा जो आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे गाइस ऐड सेक्शन का, यहाँ पे गाइस ये फीचर सेक्शन जो है ये है कि आप अपने प्लेलिस्ट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जैसे आपको पॉपुलर अपलोड ऊपर रखना है, चाहे कोई प्लेलिस्ट बना के उस पर होम पेज पे लाना है, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करके ला सकते हो। दूसरा जो आता है गाइस ब्रांडिंग का आता है। ब्रांडिंग में ये है कि अपने प्रोफाइल पिक को आराम से आप चेंज कर सकते हो, बैनर को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे वाटरमार्क है गाइस, इसको आप यहाँ पे सबसे नीचे वाले लास्ट वाले ऑप्शन पे कर देना। इससे ये होगा गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी लोगों की ब्रांडिंग शो करती रहेगी। आपने जो भी लोगो लगा दिया, सब्सक्राइब का लगा दो चाहे अपने चैनल का लगा दो, वो शुरू से लेकर लास्ट तक जा सकेगा आपका लोगो। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे अबाउट सेक्शन बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये है कि आप अपना अबाउट लिख सकते हो, और अबाउट में जो डिस्क्रिप्शन लिंक देते हैं वो भी आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। तो गाइस एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको अपने यूट्यूब पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और वीडियो पे क्लिक करते हो तो ऊपर आपको देखने के यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएट ए शॉर्ट्स। तो गाइस यहाँ पे शॉर्ट्स पे क्लिक करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से मोड है। अगर आपको ऑडियो ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड म्यूजिक पे क्लिक करना है, और आप कोई सा भी ऑडियो यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो गाइस आप देख रहे हो, उसके बाद गाइस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसको आप ऐसे शूट कर सकते हो जैसे आप टिकटॉक में करते थे, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, टाइमर वगैरह है, ऑडियो को कट उट करना हो तो कर सकते हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो इंक्लूड अगर म्यूज़िक करते हो उसी के साथ, जो म्यूज़िक आता है म्यूज़िक इंक्लूड करते हो, तो वो चीज़ आपकी मोनेटाइजेशन में नहीं आएगी, मतलब वो वीडियो आपकी मोनेटाइज नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप सिंपल वीडियो बनाते हो अपनी खुद के कंटेंट पर, 15 सेकंड की भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी बनाते हो, तो आपका वीडियो है मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर आपको इंड स्क्रीन लगाना है, आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियो में इंड स्क्रीन भी लगा लूं जिससे मेरी वीडियो का प्रमोशन हो जाएगा, तो 25 सेकंड की वीडियो आपको कम से कम बनाना पड़ेगा, तभी आप अपने वीडियो में इंड स्क्रीन लगा सकते हो। अदरवाइज एक चीज और कर सकते हो आप वहां पे कार्ड लगा सकते हो। अगर आपको अपने वीडियो में कार्ड्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हो, आपकी वीडियो उस तरीके से भी प्रमोट हो सकती है। तो गाइस यही था कुछ फीचर। तो यूट्यूब शॉर्ट्स का सेक्शन आपको स्टोरी कैप की तरह काम करेगा, जो शॉर्ट्स सेक्शन में आता है, जो आपको बताया हुआ कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी स्टोरी की तरह काम करता है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।